आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। आज फिर वही रेफरेंस हम पढ़ने वाले हैं जिसको मैं एक बार पहले भी एक आई थिंक के दो वीक पहले प्रीच कर चुका हूं। दोबारा फिर से ही हवाला पढ़ेंगे। मैंने फलदार दरख्त के तल्लक से कलाम सुनाया था, कितनों को याद है। उसके लिए मैंने जबूर की किताब में से एक हवाला लिया था, कितनों को वह हवाला याद है। कौन सा था कोई बताएगा? पहला जबूर। आमीन आमीन। अपने अपने लिए जोर जोर तालियां बजाइए। आज जबूर पहला होगा और उसकी पहली वर्स कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। लेकिन बात दरख्त के तल्लक से नहीं होगी। आज आइए जरा मेरे साथ देखिए, कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदा मुझसे बरकत चाहते हैं। सब आमीन। आज हम बात शरीरों के तल्लक से नहीं करेंगे या फिर बात मुबारक शख्स के तल्लक से नहीं करेंगे, क्योंकि हवाला यह लिया गया है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। दो बातों को इसमें ज्यादा हाईलाइट किया गया है, नंबर एक मुबारक और नंबर दो शरीरों की बात की गई है। लेकिन हम इन दोनों की बात आज नहीं करने वाले। बात हम करेंगे सलाहकार पर। किस पर बात की जाएगी? सलाहकार जो आपको सलाह देता है, जो आपको मशवरा देता है, जिसे मशीर भी कहा गया है, उसे एडवाइजर भी कहा गया है। लेकिन यहां पर कोई है जिसके लिए यह कहा गया कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इसका मतलब है कि कोई शरारत की सलाह देने वाला शख्स है, कोई ऐसा है जो शरारत की सलाह, शरारत का मशवरा देता है, उसके लिए हम यह कह सकते हैं कि कोई ऐसा मुशीर, मुशीर कहते हैं मशवरा देने वाले को, कि कोई ऐसा मुशीर है जो शरारत का मशवरा दे रहा है। लेकिन आज हम बात किस पर करने वाले हैं? मुशीर पर, सलाहकार पर, एडवाइजर पर, मशवरा देने वाले पर। लेकिन हवाला मैंने इसलिए यह लिया है कि यहां पर दो तरह की बातें हैं, दो तरह के लोगों को टच किया गया है। इसको जरा आगे बढ़कर हम इस पर गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वर्ष पर बात करें, मैंने कहा है कि हम सलाहकार पर बात करेंगे, मुशीर पर बात करेंगे, एडवाइजर पर बात करेंगे। और मुशीर दो तरह के हैं, याद रखिएगा। सारे मुशीर गलत मशवरा भी नहीं देते और सारे मुशीर सही मशवरा भी नहीं देते। मुशीर दो तरह के हैं, नंबर एक गलत मशावरत देने वाला, मशावरत करने वाला, गलत मशवरा देने वाला। नंबर दो आपको सही मशवरा देने वाला। और जो सही मशवरा देने वाला सही मुशीर है वो आपको हमेशा ही मुफीद मशवरा देगा, वो आपको हमेशा ही कारामद मशवरा देगा। जब भी कभी बात करेगा वो आपसे मुफीद बात करेगा, आपकी भलाई के लिए बात करेगा, आपके फायदे के लिए बात करेगा। और जो गलत मुशीर होगा वो हमेशा ही गलत मशवरा देगा। उसके लिए कलाम मुकद्दस में एक बड़ा जबरदस्त वाकया या रेफरेंस ये कह सकते हैं, कलाम में लिखा है कि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता, ये अच्छे
मशवरा देने वाले शख्स के लिए, अच्छे मशीर के लिए, कि जो अच्छा है उसके पास अच्छी चीजों का खजाना है और वो अच्छे खजाने से क्या करेगा, अच्छी चीजें निकालेगा। ये बाइबल मुकद्दस की वर्स है कि अच्छा शख्स अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा शख्स बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। हमने आज दो तरह के मशवरा देने वाले लोगों पर गौर करना है। अभी मैं चाहता हूं कि पहले बुरे मशवरे देने वाले पर जरा थोड़ा गौर किया जाए, क्योंकि 70% 80% आपको बुरे मशवरे देने वाले आज के दौर में मिलेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आप के इर्द गिर्द हैं या जिनके दरमियान आप घिरे हुए हैं, हो सकता है कहीं पर आप जॉब करते हो सकता है आपके पड़ोसी ऐसे हो सकता है आपके स्कूल के फेलोज, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग ऐसे हो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आप जॉब करते हैं, उनमें से 90% लोग आपको गलत मशवरा देंगे। और गलत मशवरा देने वाले का सोच, उसने जो अपने जहन में कोई सोच बनाई होती, सुन लीजिए जरा गौर से इन बातों को। जितने मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं वो भी जरा गौर से सुने। आपके इर्द गिर्द आपके साथ जॉब करने वाले, आपके पड़ोसी, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, इनमें से 90% आपको सही मशवरा नहीं देंगे। ये हमेशा शरारत की बात करेंगे, ये हमेशा आपको गलत मशवरे देंगे। लेकिन मैं आज यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि बुरा सलाहकार जो है, बुरा सलाहकार गलत मशवरा देने वाला, उसका काम क्या है, जरा आए उसके काम की तरफ चलते हैं कि वो क्यों आपको गलत मशवरा देता है। मैंने कलाम मुकद्दस में से चलते चलते इस बात को आपके साथ शेयर किया, बुरा शख्स बुरे खजाने से क्या बुरी चीजें, बुरा शख्स बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। बुरे सलाहकार का काम क्या है, क्योंकि उसका अंदर का खजाना बुराई से भरा हुआ है। सुनिए, वो खुद तो तबाह हुआ ही हुआ है लेकिन वो दूसरे को खुशहाल नहीं देख सकता। वो खुद तो बुराई के अंदर है लेकिन दूसरे किसी साफ शख्स को साफ सुथरी जिंदगी में देख भी नहीं सकता। बुरे शख्स का काम आपको तबाही की तरफ लेकर जाना है, बुरे शख्स का काम आपको मौत के मुंह पे खड़ा करना है, बुरा शख्स आपको नशे की तरफ ले जाएगा, बुरा शख्स आपको जनाकारी की तरफ लेकर जाएगा, बुरा शख्स आप और खुदा के दरमियान दूरी को पैदा करने की कोशिश करेगा। आप परस्तिश करने वाली बेटी है, आप दुआगो बेटी हैं, आपकी मां दुआगो है, आपका बाप दुआगो है, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, आप यहां पर स्टेज पर खड़े होकर खुदा उनकी परस्तिश करने वाले भाई हैं, आप बहन हैं, आप भी बेटी हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त, आपका कोई ऐसा शरारती रिश्तेदार, आपका बुराई से भरा हुआ कोई ऐसा फ्रेंड जो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी या जॉब करने वाला शख्स आपके साथ है, तो आपको खुदा की परस्तिश करते वो नहीं देख सकता। उसकी वजह क्या है, उसका अपना अंदर बुराई और गंदगी से भरा हुआ है। वो खुद तो खुदा से दूर है लेकिन आप और खुदा के दरमियान जो सही रिश्ता, इसको वो देख नहीं सकता। वो खुद तो खुदा से दूर है लेकिन आपकी खुदा के साथ कुर्बत वो देख नहीं सकता। वो खुद तो मौत के मुंह पर खड़ा है, आपको जिंदगी की राह पर चलते वो देख नहीं सकता। वो खुद तो तबाही के अंदर है लेकिन आपको खुशहाल वो देख नहीं सकता, इसलिए वो आपको हमेशा बुराई का ही मशवरा देगा, बुरे काम करने का मशवरा देगा। खुदा से दूरी, आप और खुदा के दरमियान दूरी पैदा करने का कोई मंसूबा बनाएगा और आपको मशवरा देगा। और 90% लोग ऐसे मशवरों को पसंद करते हैं, 90% लोग ऐसे मशवरों को पसंद करते हैं। कभी कभी हमें यह नहीं पता चलता कि मशवरा देने वाला शख्स जो है
ये है कौन। कभी कभी हम समझते हैं कि ये दना शख्स है, कभी कभी हम क्या समझते हैं ये मुझसे बड़ा है, ये ज्यादा तालीम याफ्ता है और इसके बाल भी सफेद हैं, ये देखने में बुजुर्ग है, ये बात दनाई की करेगा। लेकिन सुनिए, बाज़ुकात जिन्हें हम दना शख्स समझते हैं कभी कभी वो भी गलत मशवरा दे के आपको फंसा देते हैं। और सिर्फ आपको नहीं फंसाते, अगर आप फंसे तो आपका सारा घराना फंस गया, अगर आपका घराना फंस गया तो आपके कई रिश्तेदार भी उसी की लपेट में आएंगे, वो भी फंस जाएंगे। इस तरह पूरा मुआशरा जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो मौत के मुंह की तरफ चला जाता है। आइए इसके लिए एक रेफरेंस देखते हैं, मकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब। जरा खोलिए मेरे साथ जल्दी से, मकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी जरा 14वीं आयत को जरा गौर से सुनिएगा कि कैसा जबरदस्त शख्स, खुदा की कुर्बत में रहने वाला, खुदा से प्यार करने वाला शख्स और खुदा की बात को सुनने वाला और खुदा की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाला शख्स, लेकिन गलती क्या कर बैठा, जरा सुनिए। मकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। सुनिए जरा तवज्जो से, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बास लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं। किसी को पता ये बलाम कौन था? जी ये बलाम कौन था, किसी को पता है? किसी को नहीं पता, बताइए बताइए बताइए, किस किस को पता ये बलाम कौन था? जी बेटा आप ठीक बता रहे हो, ऊंची आवाज में बताओ, ये नबी था जी। बहन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बलाम कौन था, इधर से भी कोई बता दे जरा। लेकिन कलाम में लिखा है यहां पर बलाम की तालीम मानने वाले हैं जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। ये बलाम वो शख्स है जिसको बनी इसराइल पर लानत करने के लिए बुलाया गया था। इसने लानत खुद तो नहीं की, लेकिन एक ऐसा मशवरा बल्क बादशाह और उसके लोगों को दे आया कि लानत तो दूर की बात, यह पूरी कौम की बर्बादी का सबब बन गया। बंदा ये खुदा का है, कहने को ये नबी है और खुदा इससे बात भी करता है, लेकिन यहां पर एक बड़ी गलती, लानत करने के लिए बुलाया गया, लानत नहीं कर सका, लेकिन एक बड़ा नुकसान कौम का ये कर आया। और क्या दे आया उनको? मशवरा। क्या दे आया उनको? मशवरा, सलाह दे आया, एडवाइस कर आया उनको कि तुम करना क्या। कौम बनी इसराइल के नौजवानों को बुत परस्ती की तरफ रागब करना, उनको अपने देवताओं की दावत के अंदर बुलाना। जब देवताओं की दावत करो, जब एक बड़ी पार्टी करो, देवताओं के लिए जश्न करो, उनके लिए कुर्बानियां करो, तो कौम बनी इसराइल के नौजवान लड़कों और लड़कियों को क्या करना? दावत देना। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मशवरा क्या दे दिया, तो जो दीजिए, क्या दे दिया, क्या दे दी उनको? सलाह, मशवरा दे दिया कि लानत तो नहीं हुई, लेकिन एक काम तुम्हें बता के जाने लगा हूं,
तुम नौजवान नस्ल को अगर काबू कर लो तो समझो पूरी कौम जो है ये आपके कब्जा के अंदर है। और क्या कह दिया, जब देवताओं की कुर्बानियां करो तो कौम बनी इसराइल के नौजवानों को क्या करना, दावत दे देना, कौम बनी इसराइल को दावत दे देना। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा ही किया। नौजवान बदकारी के अंदर चले गए, कौम बनी इसराइल के वो खुदा की प्रस्तुति करने वाले लोग दूसरी कौमों के साथ उनका पैचअप होना शुरू हो गया, दूसरी कौमों के साथ उन्होंने मेल जोल बढ़ा लिया, दूसरी कौमों के साथ खाना पीना बढ़ा लिया, यहां तक के ब्याह शादियां करना शुरू कर दी और साथ में क्या करना शुरू कर दी, बुत परस्ती। एक मशवरा, क्या सिर्फ एक मशवरा, चर्च जागिए, आंखें खोलिए और कान खोलिए, सुनिए, उनको दिया क्या गया था, एक मशवरा। और देने वाला कौन था, समझदार बंदा, देने वाला कौन था, समझदार बंदा। बाज़ुकात हम समझते हैं कि हमारे खानदान के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे पड़ोस में, हमारी गली के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर ये शख्स समझदार है, लेकिन कभी कभी मशवरा क्या मिल जाता है, गलत। यहां पर गैर कौम को यह मशवरा दे दिया कि तुम ये जाल बनाओ, कौम बनी इसराइल को इस जाल के अंदर फंसाओ, और जब वो फंस जाएं तो फिर समझो कि पूरी कौम तुम्हारे कब्जा में है। और ऐसा हुआ, कौम बनी इसराइल के नौजवान इन्वॉल्व हुए, उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। जब बुत परस्ती करनी शुरू की तो कलाम में लिखा खुदा नाराज हो गया, खुदा नाराज हो गया उस कौम से, उनकी बुतप्रस्ती की वजह से, उनकी जिनाकारी की वजह से खुदा नाराज हो गया। और जब खुदा नाराज हुआ है तो पूरी कौम तबाही के अंदर गई है, पूरी कौम तबाही के अंदर हमें नजर आती है, गुलामी के अंदर नजर आती है, असीरी के नजर अंदर नजर आती है। लेकिन यह कैसे हुआ, सिर्फ एक मशवरा। कैसे हुआ, सिर्फ एक मशवरा। बात यहां पर ही नहीं खत्म हुई कि सिर्फ कौम बन इसराइल तक ये बात रही हो बुत परस्ती की तो बात खत्म के हो गई हो, नहीं, ये मशवरे आज भी जारी हैं, ये मशवरे आज भी इस माहौल के अंदर भी दिए जाते हैं। सिर्फ बात कौम बन इसराइल तक खत्म नहीं हुई, आज भी हमारे नौजवान ऐसे मशवरे सुन रहे हैं, आज भी हमारा रिश्तेदार हमें ऐसे मशवरे दे देते हैं कि आओ बुतप्रस्ती के लिए चले। कभी कभी तो मशवरे के साथ इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है, कहा यह जाता है, मैं कराची से तेरे घर लाहौर आ गई, तू लाहौर से मेरे पास आगे मेले पर नहीं जा सकती। कहा यह जाता है, मैंने कराची से सफर किया और लाहौर आ गया, लेकिन यहां से थोड़ा सा सफर है मेले का, चल मेरे साथ मेले पर, हम वहां पर करेंगे क्या, बुत परस्ती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा जाता है, मैं तो तुझे कपड़े भी नए लेकर दूंगा, मैं तो गाड़ी का किराया भी तेरा क्या करूंगा, भरूंगा, बस तू गाड़ी में बैठ, चल मेरे साथ मेले पे। कहां पर, चल मेरे साथ। ओ खुदा दा ना लो, मेले ते गए लोगों दी इज्जत लुट गई ने, बाइबल मुकद्दस लिखिया जे, मैं नहीं कह रहा, यकूब की बेटी ऐसी है जी, दीना नाम था उसका, वो भी मेला देखने गई थी, अपनी इज्जत लुटवा बैठी। आज अगरचे आप समझते हैं आप मेले पर जाएंगे सही सलामत लू अब वापस आ जाएंगे, लेकिन एक याद रखिए, अगर कोई फिजिकली आपकी इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा लेकिन रूहानी तौर पर शैतान आपकी इज्जत पर हाथ डालेगा, रूहानी तौर पर वो आपकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। और यही उसका मंसूबा, यही उसका प्लान है कि आपको यहां से उठाए और भीड़ के अंदर, मेले के अंदर ले जाए, ताकि जिस्मानी तौर पर तो आप महफूज रहें लेकिन रूहानी तौर पर आपकी इज्जत की वो धज्जियां उड़ा देगा। ख्याल कीजिए, आपको मेलों में दावत देने वाले जो हैं ये बहुत मिलेंगे, कोई कराची से आपका रिश्तेदार आपको फोन करेगा, भाजी मैं आ रहे हैं, किथे मिले जाना है, आपकी कजन आपको फोन कर देगी। कराची वाले सुन लें जरा, जिनके घर में मेले वाले आते हैं, जरा बहुत वजह से सुने,
बाद में पता क्या चलता है, वो फलां कहाँ गया हुआ है, वो फुफो आई थी तो किधर ले गई है, मेले पे। क्या करने गए? नहीं नहीं, हम बुत परस्ती तो नहीं करने गए पादरी साहब, हम तो वैसे ही फुफो के साथ चले गए। फुफो के अंदर से शैतान काम कर रहा है। हाँ, शैतान बोल रहा है उसके अंदर से, जिसने आपको संडे का चर्च छोड़ने पर मजबूर किया, जिसने आपको इबादत यहां पर करने से मजबूर किया, छोड़ने पर मजबूर किया, और आपको उठा के कहां पर ले गया का? मेले थे। किथे चल? चल सप की तरह ढिड पार चढ़ किथे? पहाड़ी थे। याद रखिए, ये आपकी नस्ल को बर्बाद करने का मंसूबा है, ये आपकी रूहानी जिंदगी को बर्बाद करने का मंसूबा है। यहां पर बलाम ने मशवरा दे दिया, वो भी बुजुर्ग, हो सकता है आपके रिश्तेदारों में कोई बुजुर्ग बहन कोई भाई आपको फोन करके मशवरा दे, मैं फलां डेट को पहुंच रही हूं, कहां पे जाना है, मेले पे, और आप तैयार। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बेशुमार ऐसे वाकया मिलेंगे जिन लोगों ने गलत मशवरा जात पर अमल किया, उन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद किया। अगर आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस को देखें, दूसरा सैमुअल उसका 16वां बाब लिख लीजिए, जरा मैं चलते चलते टच करता जाऊंगा। दूसरा सैमुअल उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत, जल्दी से कोई जल्दी से निकाले, जरा जल्दी से निकाले, निकाले जल्दी से, एक माइक जरा उधर पादरियों तक पहुंचा दें, पास्टर हजरात इधर बैठे एक माइक पहुंचाइए जल्दी से। मेरे ख्याल में ऑनलाइन देखने वाले इस बात को प्रॉपर समझ रहे हैं, चर्च वाले बात घरों में देखने वाले समझ रहे हैं। अब अगर इस साल में मेले के लिए फोन आए तो आपकी मेहरबानी से बोलें कि मैं अपने घर में ही अपने खुदा की परस्तिश कर सकती हूं, मैं अपने घर में ही अपने जिंदा खुदा की परस्तिश कर सकता हूं। तो साहब मेले जाना है, बारे बार सीधा, बारे बार कितने सीधा मेले थे, मेरे घर आने की जरूरत नहीं, ना मैं जाना ना मेरे बच्चियां जाना। बल्कि पास्टर साहब मैं सुबह कह रहा था, मैसेज अक्सर देते होते हैं, और वो जो रेफरेंस अभी मेरे जेहन में नहीं है वहां पे लिखा है, अगर कोई तुझे फुसलाए कि आप बुत परस्ती करें तो उनके साथ ना जाना, उनकी ना मानना, ना उनकी सुनना। इतने एक काल आए असी कहने फुफो जी ताडे आउण तो पहले कपड़े भी नवे तैयार होंगे, पूरे महीने की तनखा असा रखी कादे वास्ते, ताडा इंतजाम करना है कि तुसी चले कित्थे हो, बुत परस्ती दे ते मैं भी ताड़े नाल जावांगी। मैं ना गई तो चलो मेरे बच्चे तो जानगे ना, मैं ते हस्बैंड घर रहांगे, बच्चे ताड़े ना जानगे। अस्तशना 13 बाब पढ़ना, बच्चों जी, बच्चों को बर्बाद करना शैतान का मंसूबा। और अभी मैं पढ़ के सुनाने वाला जी, राजे जरा पढ़ेंगे आप दूसरा सैमुअल उसका 16वां बाब 15वीं आयत से जरा 23वीं आयत तक पढ़ दें, तवज्जो से सुनिए, डिटेल से आज आपको समझाना चाहता हूं जी। 15वीं आयत से यूं लिखा है जी, इस तशना भी जरा पढ़ दीजिए, पैसे उसके बाद आप जरा जी। और अभी सलूम और सब इसराइली मर्द यरूशलेम में आए और अखीतुफल उनके उसके साथ था। सुनिए, और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अराकी हुसी अबीसलूम के पास आया तो हुसी ने अबीसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। और अबीसलूम ने हुसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की, तू अपने दोस्त के साथ क्यों ना गया? हुसी ने अबीसलूम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावन ने और इस कौम ने और इसराइल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँगा और उसी के साथ रहूंगा, और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब अबीसलूम ने अखीतुफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। तुम सलाह दो, सुनिए, तब क्या कहा, तुम क्या करो, सलाह दो हम क्या करें। पढ़े आगे, सो अखीतुफल ने अबीसलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगेबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि सब इसराइली
इसलिए जब सब इसराइली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझ से नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कभी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया और अबीसलूम सब बनी इसराइल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया। और अखीतुफल की मशवरत जो इन दिनों होती थी वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। आमीन आमीन। सुनिए आखिरी दो वर्सेस जो पढ़ी गई हैं, इन पे जरा मैं बात करना चाहता हूं। ये पूरा पैसेज इसलिए पढ़ा आके समझ लग जाए आपको। ये अखीतुफल कौन था? ये मशवरा देने वाला शख्स था। और कलाम में लिखा इसका मशवरा कैसे माना जाता था? जैसे खुदा के कलाम से बात सुन ली। इतनी मौत पर बात ये करता था। और ये सिर्फ अबीसलूम के लिए नहीं करता था, बल्कि दाऊद के दौर से लेकर अबीसलूम तक जो बात भी ये करता था ऐसे होता था जैसे क्या कहते हैं ना, लोहे की निब से लिख दी जाए या पत्थर पर लिख दी जाए। ये गलत बात कर सकता ही नहीं है, बल्कि इसकी बात को इतना दर्जा इतनी वैल्यू दी जाती कि जैसे खुदा के कलाम से बात। लेकिन उसने मशवरा क्या दिया? उसने अबीसलूम से क्या कहा कि तू अपने बाप की हुरमों, आप ये कह रहे फॉर एग्जांपल जैसे बाप की बीवियां जो घर के अंदर वो रखी होती थी हुरमे बादशाह ने, उन पर सिर्फ बाप का हक था। लेकिन बेटे को क्या कहा? तो इनके पास जा, इनके साथ जनाकारी कर। कितना घटिया मशवरा है, ये गौर कीजिए, कितना गलत मशवरा है। और उसके बाद होगा क्या कि तेरा बाप तेरी जान का भी क्या हो जाएगा? जैसे तू दुश्मन है, तेरा बाप भी क्या हो जाएगा? तेरा दुश्मन। घर में बर्बादी शुरू हो गई है एक मशवरे के साथ। किसके साथ? एक मशवरे के साथ। घर के अंदर बर्बादी ने जन्म ले लिया है। बदकारी घर से शुरू हो गई है। घर की छत पर तंबू लगा दिया, घर की छत पर टेंट लगा दिया और उसके अंदर बदकारी शुरू कर दी। किनके साथ? बाप की हुरमों के साथ। याद रखिए, कभी कभी मशवरा देने वाला आपका अजीज, फिर वापस आता हूं, मशवरा देने वाला आपका कोई दोस्त, मशवरा देने वाला आपका कोई बुजुर्ग, मशवरा देने वाला आपका मोहल्ले का कोई बहुत सीनियर शख्स हो सकता है। हर एक मशवरा मत सुने और मत माने। पढ़िए जरा सब इस तस्ना जो आपने पढ़ा था, सुनिए जरा ये भी, बस दो तीन वर्ष जो खास पढ़ दीजिए, सुने तवज्जो से कि अगर कोई मशवरा दे तो क्या करना है। सुने प्लीज, माइक ऑन कीजिए प्लीज। 13 बाब की दूसरी आयत पढ़ेंगे। और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकू में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम और मबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें। सुनिए, कौन जो मशवरा दे रहा है वो तुम्हें क्या कहे? आ हम और मबूदों की क्या करें? आ और मबूदों की क्या करें? बात घूम घुमा के किस पर आती है? मशवरा देने वाले पर। एक आयत और पढ़नी जी, प्लीज पढ़िए। तो तू उस पर उसके साथ रजामंद ना होना, उसके साथ रजामंद ना होना, ना उसकी बात सुनना, ना उसकी बात सुनना, तू उस पर तरस भी ना खाना। तो उस पर अगर फुफो फोन कर दे ना, फुफो कराचियों फोन कर दे, या मासी फुफो कराचियों हैदराबाद दो साहिवाल तो इधरों उधरों फोन कर दे, ताड़ी मेहरबानी फुफो ते तरस ना खाना। जी, उस पर तरस भी ना खाना, ना उससे रियायत करना, ना उसे छुपाना, ना उससे रियायत करना, ना उससे छुपाना। गल सीधी दसो, बल्कि तू उसको जरूर कत्ल करना, उसको कत्ल करते वक्त पहले तेरा हाथ उस पर पड़े, उसके बाद सब कौम का। पर तुसी एक काम नहीं करना, मतलब मेरा उसे बाइबल च सिर्फ दसिया गया है कि जरा काम जो हद तो अगे निकल जाए ना, ये स्टेप उदो लईदा है।
अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या बेटी या हम तेरी हमगोश बीवी या तेरा दोस्त जिसको तू अपनी जान के बराबर अजीज रखता है तुझको चुपके चुपके फुसला कर कहे कि हाँ चलो हम और देवताओं की पूजा करें, तू और तेरा बाप दादा वाकफ भी नहीं, यानी उन लोगों के देवता जो तुम्हारे इर्द गिर्द तेरे नजदीक रहते हैं। आमीन आमीन जी। कि तेरा बेटा तेरी बेटी, मैं गल फुफो दी रखी है, ए गल अगे वध गई। हाँ मैंने तो बात सिर्फ फुफो पे रखी थी, यहां पे तो बात ही आगे बढ़ गई। यहां पे लिखा तेरा बेटा तेरी बेटी तेरा रिश्तेदार इवन के तेरी बीवी बीवी भी अगर कभी कहे कि आ और मबूदों की पूजा करें, अगर बेटा कहे पापा जी आओ फलानी जगह एक बाबा दम कर दे, तो इस तो पहलों के बाबे का दम करवाइए, खुदा करे कि वह जे हो कि बद नसले बेटे का दम ही चला जाए जरा तुम जिंदा खुदा तो फसला के बुतों की तरफ लेके जाता है। याद रखिएगा कलाम किसी का तरफदार नहीं है। कोई आपको बुत प्रस्ती की तरफ लेकर जाता है मत सुनिए उसकी, मत जाइए उसकी तरफ। आपको मशवरा देने वाला आपको बर्बाद करेगा और शैतान का यही मंसूबा है कि आपको मशवरा ऐसा दे कि आपकी नस्ल को वो गुलाम बनाए। कौम बनी इसराइल गुलाम बनी, कौम बनी इसराइल गुलामी के अंदर गई एक मशवरे के बाद। आज आपको ये कहना चाहता हूं शैतान आपके लिए ऐसे मुशीर खड़े करेगा आपके अजीजों में से आपके दोस्तों में से जिन्हें आप अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। अच्छा है मेरे मले एक बंदा है जे पक्की गल ना नहीं लेना ओ आप ही नहीं जानता, जानता सी पहले आप ही शायद समय लग गई होए भावें ओदा एक दोस्त बड़ा पक्का ओन मेले ते लेके जांदा है। उन्हें मैं कई बार पूछा मैं क्या भा जी छो, ये सच्चाई बता रहा हूं, मैं कई दफा क्या भा जी छो कि जाते हो तो पादरी साहब मैं तो एक्चुअली जाता नहीं सा, ऐ मेरा दोस्त है, वह कलर च रहा मेरा दो दोस्त ऐ मेरा दोस्त है वह मैनू लैके जाता है। तो मैं क्या लभा की जे जनाब टुरनों भी आवाजार हूं तो किस तरह जाते एक्सीडेंट हो गया, हाले पहुंचे भी नहीं मेले से एक्सीडेंट हो गया लत्तों ही गया वो टुरिया भी नहीं जाता सही तरह। फिर मैंने मिले मैं क्या भाजी की लभा है कुछ भी नहीं तो हाले भी नहीं हटिया जाता फिर भी उत्थे लत्तों टुरिया नहीं जाता लेकिन मेला नहीं छड़िया। मशावरत जेन के अंदर फीड हो चुकी हुई है, मशवरा जेन के अंदर घुस चुका हुआ है। शैतान ने प्रॉपर जेन के अंदर दिल और दिमाग के अंदर घर बना लिया हुआ है। हर साल शैतान उकसाता है चलो चले गैर मबूतों की पूजा करने के लिए, लेकिन याद रखिए जैसे कौम बनी इसराइल गुलामी के अंदर चली गई वो वक्त दूर नहीं है जब आप शैतान की पूरे तौर से गुलामी के अंदर चले जाएंगे। शैतान आपको तो गुलाम बना चुका है, वो आपकी नस्लों को भी गुलाम बनाएगा, लेकिन बचने का हाल है, बचने का हाल है कलाम के मुताबिक। कलाम मुकद्दस में से ही आपके बचने का हाल भी मैं बताने वाला हूं। मशवरा देने वाले को पहले सुनिए कि वो कह क्या रहा है, मशवरा देने वाले की सोच देखिए वो किस काम की तरफ आपको लगा रहा है, क्योंकि सारे मशवरे गलत भी नहीं। मैंने पहले कहा था 90% मशवरे गलत मिलेंगे, 10% मशवरे आपकी भलाई के लिए हो सकते हैं, कभी उनको रिफ्यूज ना कीजिएगा। जैसे मैं ही कहता हूं मैं आपको आज मशवरा देता हूं कभी बुत परस्ती ना कीजिएगा। 90% लोग आपको मेले की दावत देंगे, 5% लोग 10% लोग आपसे कहेंगे प्लीज गैर मबूदों की पूजा ना करना। आपने 90 लोगों को देखना है, हाय वहां पे तो 90 लोग कह रहे हैं चलो एकल 5 लोग कही देने असि जे ज्यादा लोग ने उन्होंने सुनने। आइए एक शख्स जिसने बड़ा मुफीद मशवरा दिया उसकी तरफ चलना चाहता हूं। पदाइश की किताब 41वां बाब उसकी 33वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और फिर इस पर हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा जबरदस्त मशवरा
एक मशवरे से कौम बर्बाद हो गई, एक मशवरे से कौम तबाह हो गई, एक मशवरे से कौम गुलामी के अंदर चली गई, एक मशवरे से घर के अंदर बदकारी शुरू हो गई, एक मशवरे से बाप की बीवियां हुरमे लेकर उनसे बदकारी की गई, एक मशवरे के साथ बुत परस्ती करवाई गई, एक मशवरा कौम को बर्बाद कर गया। लेकिन एक मशवरा ऐसा भी आपके सामने रखने रहा हूं जिससे पूरी कौम जो है वो बच गई, बल्कि कौम नहीं पूरा मुल्क बच गया, और एक नहीं इर्द गिर्द के कई लोग जो थे उसके साथ बच गए। बेटा पढ़िए जरा। इसलिए फराउन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अकलमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। फराउन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजरों को मुकर्रर कर दे और अराजानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। बस इतने काफी है। घर जाके पढ़िएगा ये पूरा पैसेज, सुनिए। ये मशवरा देने वाला कौन है? यूसुफ। मशवरा देने वाला कौन है? यूसुफ। लेकिन ये मशवरा यूसुफ ने क्यों दिया? बादशाह फिरौन ने ख्वाब देखा था जिसमें उसने 7 मोटी मोटी गायें देखी, फिर उसने 7 दुबली पतली और बदसूरत गायें देखी, फिर उसने 7 मोटी ताजी बालियां देखी, फिर उसने सूखी हुई बालियां देखी। ये सारा सिनेरियो उसके अंदर लिखा हुआ है। और ये काल के और खुशहाली के साल थे। फिरौन अपने इस ख्वाब से परेशान है। मशवरा देने वाला शख्स अभी उसके सामने नहीं आया। उसने अपने जादूगरों से कहा, अपने मुशीरों से कहा, अकलमंद और दानिशमंद लोगों से कहा, लेकिन कोई ख्वाब की तबीर नहीं कर पाया। लेकिन एक शख्स खुदा के डर और खौफ में रहने वाला, एक शख्स खुदा के रूह से भरा हुआ, उसने बादशाह से आकर क्या कहा? जरा दोबारा पढ़िए कि तुझे दानश्वर शख्स को चुनने की जरूरत है। तुझे क्या करने की? दानश्वर अकलमंद शख्स की जरूरत है जो इन 7 सालों से पहले पहले इस वक्त को संभाले। सुनिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जैसे यूसुफ ने कहा वैसे काल पड़ गया, जैसे यूसुफ ने कहा खुशहाली वैसे खुशहाली भी हुई। लेकिन काल के अंदर इस मुल्क को और इस कौम को बचाया किसने? एक मशवरे ने कि बादशाह तू क्या करना, अभी इन खुशहाली के सालों के अंदर ही पैदावार को इकट्ठा करना शुरू कर देना ताकि काल के वक्त उस सारी खुराक को इस्तेमाल किया जाए। तवज्जो दीजिएगा। और बादशाह ने मशवरे को क्या किया? माना। बादशाह ने मशवरे को क्या किया? माना। एक तरफ मैंने कहा एक मशवरे से कौम क्या हो गई? बर्बाद। एक मशवरे से कौम क्या हुई? गुलाम। एक मशवरे से कौम क्या हुई? तबाह। और एक मशवरे से घर में क्या हुई? बदकारी। लेकिन एक मशवरा ऐसा भी है जिसके साथ अभी हम खड़े हैं कि एक मशवरे ने क्या कर दिया है? पूरी कौम को बचाया है। एक मशवरे ने पूरे मुल्क को बचाया है। एक मशवरे ने इर्द गिर्द के मुल्कों को भी क्या किया है? बचा लिया है। बल्कि यूसुफ ने अपने बाप के घराने को भी उसी मशवरे के सबब से क्या कर लिया? बचा लिया था। लेकिन आज जरूरत है कि हम मशवरा सुने लेकिन उसको अमल करने से पहले पहले हम जांचें मशवरा देने वाला कौन है, मशवरा दे क्या रहा है, कि हमें खुदा के करीब करता है या खुदा से दूरी पैदा कर रहा है, हमें खुशहाली की तरफ लेकर आता है या तबाही की तरफ लेकर जाता है। अगर तो तबाही है तो पीछे हट जाइए, अगर खुशहाली है तो मसीह का नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि मुफीद मशवरा खुदा की तरफ से मिलता है। मशवरे देने के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन खुदा के खौफ वाले लोग आपको कम मिलेंगे। मैं तो आज आपको मशवरा यह देना चाहता हूं कि इधर उधर के मशवरे लेने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस का मशवरा लीजिए।
इधर उधर के मशवरे लेने की बजाय कलाम में मुकद्दस का मशवरा लीजिए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो चोरी के मशवरे मत मानिए, शराब बेचने का मशवरा मत मानिए। आपको अमीर होने के लिए शॉर्टकट राह दिखाए जाएंगे, लेकिन उनके एंड पे होगी क्या? बर्बादी। आइए कलाम मुकद्दस में से जरा मेरे साथ देखिए मकाशफा, उसका तीसरा बाब। वाइंड अप करने लगा हूं, आखिरी मशवरा जो है सुन लीजिए जरा, ये मशवरा क्या है। हालेलुया। मशवरा कलाम में से लीजिए, मशवरा खुदावंद यीशु मसीह से लीजिए। अपनी जरूरत अपनी बात मसीह के सामने रखिए, मशवरा रूह कुद्दस से लीजिए। आइए तीसरा बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तवज्जो से सुन लीजिए। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, क्या देता हूं? इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। सलाह कौन दे रहा है? खुदा का कलाम वाजे बयान कर रहा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं। अगर अमीर होना चाहते हैं, अगर दौलतमंद होना चाहते हैं, अगर तरक्की करना चाहते हैं, अगर सरफराजी करना लेना चाहते हैं, अगर बहाल होना चाहते हैं, अगर खुशहाल होना चाहते हैं, खुदा के जरफान में बढ़ना चाहते हैं, खुदा के जलाल में बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने और पहचाने, तो शॉर्टकट ना लीजिए, बल्कि ये सलाह जो खुदा का कलाम देता है कि मैं तुझे क्या देता हूँ, सलाह देता हूँ, मुझ में तपाया हुआ आग में तपाया हुआ सोना। अब इंसानों की सलाह, इंसानों का मशवरा बेहतर है या फिर खुदा का कलाम और खुदा की मशावरत बेहतर है? बताइए, ऊंची आवाज में बताइए। खुदा के कलाम को मोतबेर जानिए, खुदा के कलाम को मोतबेर जानिए, क्योंकि ये आपके लिए भलाई पैदा करता है। आमीन। अगर दुनिया के मशवरे मानेंगे तो दुनिया के मशवरे तो फिर ऐसे ही हैं कि बुत परस्ती कर लो, शराब नोशी कर लो, जना कर लो, बदकारी कर लो, आओ ये कर लें, आओ वो कर लें। लेकिन अगर खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी की बात करेगा, खुदा का कलाम आपके बच्चों की जिंदगी की बात करेगा, खुदा का कलाम आपकी तरक्की की बात करेगा, आपके बच्चों की तरक्की की बात करेगा, आपकी खुशहाली की बात करेगा, आपकी नस्ल की खुशहाली की बात करेगा। और जो खुदा आज के दौर में इस उम्र में इस वक्त में आपको संभाल लेगा, वही खुदा आने वाले वक्त में आपके बच्चों को भी संभालेगा। जिसने आज आपको तरक्की दी है वो आपकी नस्ल को भी तरक्की देगा, जिसने आज आपको खुशहाल किया है वो आपकी नस्ल को भी खुशहाल करेगा, जिसने आज आपको तबाही से बचाया है खुदा आपकी नस्ल को तबाही से बचाएगा, जिसने आज आपको मौत से बचाया है खुदा आपकी नस्ल को मौत से बचाएगा, जिसने आज आपको दुश्मन के हाथ से छुड़ाया है खुदा आपकी नस्ल को दुश्मन के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन मशावरत खुदा के कलाम की लीजिए, क्योंकि कलाम खुदा का जो है ये मोहतबर है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।